सो फाइनली गाइस हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का पूरा ब्रॉन्ज का स्टैचू बना हुआ है। और ये इतना बड़ा स्टैचू है, ये देखो, वाओ, ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है ये पूरा ब्रॉन्ज का है। कितना मस्त लग रहा है ना। चलो मैं आपको आगे से भी दिखाऊंगा। ये देखो ये पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ है आपका ना, देख बहुत ही बड़ा है यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मिस्टर गो यानी मैं उदित राणा। तो अभी हम फिलहाल है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में। तो बाकी चलिए आपको यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं और प्रॉपर्ली बताएंगे कि क्या क्या है, तब तक स्टे ट्यून। सो दोस्तों ये ब्रह्म सरोवर है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज वगैरह, मतलब जो 3D पेंटिंग बनी हुई है ना, उसमें मतलब टोटली आई थिंक 5 किलोमीटर का दायरा है ब्रह्म सरोवर पूरा। और यहाँ स्टार्टिंग जो गीता का, जो भगवतम गीता का जो श्लोक है वो पूरा स्मृति में बनाया हुआ है। तो ये है यहाँ से पूरा, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पूरा, यहाँ से पूरा घूमते हुए जाना पड़ेगा। कम से कम टोटल 5 किलोमीटर का है। और बीच में है ये लेक, और कहते हैं कि मतलब यहाँ पर पिंडदान करने से मतलब जो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है, एक यहाँ पर और एक बुद्धगया में। तो आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो बस हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना सरदान किया था, उनका मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जाएंगे। और वहाँ पर माता द्रौपदी ने जो अपने बाल धोए थे वो कुआ भी है, तो वो भी दिखाएंगे। और एक ऐसा पेड़ है, शायद लोग कह रहे थे कि मतलब वो 5000 मतलब महाभारत के टाइम का है वो पेड़ बरगद का, वहाँ पर भी जाएंगे हम। तो बाकी तब तक बने रहो हमारे साथ। तो यहाँ पर लेक में बहुत सारे ब्लैक कलर के बतख है जो डुबकी लगा लगा के अपने चारा ढूंढ रहे हैं। तो ये देखो इतने प्यारे प्यारे बतख है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी है, तो आई थिंक ये लेक भी काफी बड़ा लेक है ये भी। तो चल रहे हम, अभिजीत पीछे है वो भी देख रहा है, फोटो वगैरह ले रहा है वो भी। तो यहाँ पर बहुत सारे बतख वगैरह है। तो अभिजीत कह रहा था कि नहाना है हमने कल नहाते करके, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, टूर बहुत लंबा है, तो रास्ते में अगर तबीयत वगैरह ख़राब होगी तो दिक्कत हो जाएगी करके। तो मैंने उसको भी मना कर दिया कि आप नहाने का नहीं, जो पंच स्नान है वो करते फिर निकलते करके, क्योंकि हमने शाम को निकलना है वहाँ गुजरात के लिए। तो वो गुजरात होते हुए हमने निकलना है फिर महाराष्ट्र की तरफ सोचा है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे जाना वो तो पता नहीं। सोचा कि मतलब पैदल रास्ते ही हम तय करेंगे और रास्ते में ही देखिए क्या क्या होता है। तो तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों जो ये आप लेक देख रहे हो है ना, ये ब्रह्म सरोवर है ना। यहाँ पर उस टाइम पे महाभारत के टाइम पे 5 पांडवों ने शायद कई पिंडदान वगैरह किया था, तो यहाँ पर एक पुण्य स्थल भी माना जाता है। और जो ये आप रेलिंग देख रहे हो यहाँ से उधर 15 फीट गहरा है, और उससे पहले इतना गहरा नहीं है। तो मतलब ये रेलिंग के आगे आगे तक ही जो मतलब यहाँ पर आके नहाना चाहते वो रेलिंग से उधर नहीं जा सकते। तो बाकी हम जा रहे पहुंचने वाले वहाँ पर जहाँ पर लोग बता रहे थे कि मतलब अर्जुन जी और श्री कृष्ण का ब्रॉन्ज का पूरा स्टैचू बना हुआ है पूरा, मतलब जो घोड़े थे वो से लेके मतलब सब कुछ ब्रॉन्ज का है। तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, वो भी देखेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों कम से कम आई थिंक 3 किलोमीटर हम पैदल चल चुके हैं, तो हम दूसरे छोर पे पहुंच चुके, बहुत थक गए हैं, पैर दर्द हो रहा है, पता मजे से यूकेलेले बजा के जा रहा है। तो हम अभी पहुंचे नहीं है, अभी टाइम लग रहा है,
तो ये देखो एंगल इतना बड़ा है ना ये, ये देखो बाप रे। हम वहाँ थे, वहाँ से घूमते घूमते तब जाके हम यहाँ पर पहुँचे। अभी फिलहाल ही पहुँचे। बाप रे इतना मजे से गाना गाते हुए आ रहा है। गर्मी इतनी हो रही है ना, वैसे अभी विंटर का समय चल रहा है लेकिन गर्मी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थक भी गए यार। यहाँ पर कहीं पर पीने का पानी वगैरह भी नहीं लगा है और प्यास भी ज़्यादा लग रहा है, तो बाकी अभी वहीं पर जाके मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून। सो फाइनली गाइस हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का पूरा ब्रॉन्ज का स्टैचू बना हुआ है, और ये इतना बड़ा स्टैचू है, ये देखो वाओ। ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है ये पूरा ब्रॉन्ज का है, कितना मस्त लग रहा है ना। चलो मैं आपको आगे से भी दिखाऊंगा, ये देखो। ये पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ है आपका ना, अरे बहुत ही बड़ा है यार। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, पता नहीं यहाँ पर कुछ स्टेज वगैरह भी बना है, शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा। अभी गीता जयंती आने वाली है तो यहाँ पर है, कितना प्यारा पार्क है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जो हमारे दोस्त को बोला है कि अच्छे तरीके से गाना बजाओ करके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी बैठे हुए हैं। तो हम तो पहले वहाँ पर श्री खाटू जैम जी के जा रहे हैं जहाँ पर बरबरिक जी ने श्री कृष्ण जी को दान दिया था अपना सर का, तो वहीं पर जा रहे हैं हम पहले, फिर जाके थोड़ी देर यहीं पर इसी पार्क में बैठेंगे। तो दोस्तों हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर मैंने जो अभी आपको बताया, तो ये वही मंदिर है ना, आप देख सकते हो। तो यहीं पर इसी जगह पे श्री कृष्ण जी ने बरबरिक जी का सर दान पे मांगा था, और यहाँ पर उसी के बगल में बना हुआ है द्रौपदी कुंड, तो जहाँ पर माँ द्रौपदी ने अपने बाल वगैरह धोए थे। तो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुआ है, तो ये है कुआ, तो शायद यहाँ से आने का देख सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा कुआ है ये तो पता नहीं। तो यही कुआ था उस टाइम के, है ना, और जो मैंने आपको बताया था कि 5000 ईयर से ये बरगद का पेड़ अभी भी है, लोग कह रहे हैं, है ना, तो ये है उस टाइम से अभी तक ये बरगद का पेड़ यहीं पर है। तो और ये है श्री खाटू श्याम जी का मंदिर, ये आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अंदर बाबा बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये है मंदिर, और तो यहीं पर ही श्री कृष्ण जी ने बरबरिक जी का सर दान पे मांगा था, और उनका सर को जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पे बरबरिक जी ने बोला कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, तो मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ करके। तो श्री कृष्ण जी ने जैसे ही उनका सर को स्तंभ में रखा, तो स्तंभ से ही उन्होंने सारा महाभारत का युद्ध देखा। उसके बाद उस सिर को सरोवर में बहा दिया गया था, फिर वो सर राजस्थान में जाके निकला था, तब जाके वहाँ राजस्थान में भी एक खाटू श्याम बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर स्थापित किया था उस सिर को। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना, बाकी यही है। अभी हम उसी पार्क में जा रहे हैं बैठने के लिए। बाकी दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें है नहीं जो कवर करना था, वो हमने कल का पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया। बाकी वो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट भी कर दो। इस फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना, प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना, और फेसबुक पे भी शेयर कर दो यार, कल्याण हो जाएगा हमारा भी आपके एक शेयर से। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय, टेक केयर।